Hi friends, and welcome to the best Hindu editorial analysis brought to you by 247, and I am Saurabh Day. तो भाई देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं हमारे पास. मैं बता देता हूँ आपको स्टार्टिंग में ही, बिकॉज एक देखो आर्टिकल आज है फाइनेंशियल आर्टिकल, और ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को लिए. अगर हम बात करते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम देखें दूसरे हाथ पे, तो हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल बेस्ड आर्टिकल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो देखा जाए तो अगर हम एग्जाम ट्रेंड्स की बात करें तो एग्जामिनेशन में अक्सर जो आपके कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जाते हैं या क्लोज टेस्ट में पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स होते हैं फाइनेंशियल, और जो पैराजंबल के लिए पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स होते हैं एनवायरमेंटल. तो हमारे पास आज एक फाइनेंशियल टॉपिक भी है और आज एक एनवायरमेंटल टॉपिक भी है, तो इन दोनों को ही हम लोग जरूर एनालाइज करेंगे और साथ में समझेंगे इन दोनों आर्टिकल्स को डिटेल में. इसके अलावा देखा जाए तो हम लोग ओवरऑल रिव्यू भी करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी साथ में सॉल्व करेंगे, साथ में पैराजंबल भी सॉल्व करेंगे. उसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे नए नए वर्ड भी सीखेंगे और उनका क्विज भी सीखेंगे. लेकिन सबसे पहले गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा मोटिवेशन पा लिया जाए ताकि एनर्जी आ जाए और समझने के लिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल को. कैन वी हैव द फर्स्ट स्लाइड प्लीज? तो गाइस हियर इज द फर्स्ट स्लाइड फॉर यू. इट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव. जिंदगी में मुश्किलें कठिनाइयां सब कुछ हमेशा आने वाली है, बिकॉज इसी का नाम जिंदगी है. अगर स्ट्रगल नहीं होगी तो सक्सेस में मजा भी नहीं आएगा. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जिस टाइम पे आप स्ट्रगल कर रहे हो मन में विश्वास रखिए कि आप इस स्ट्रगल को झेल जाएंगे और जीत जाएंगे. इस विश्वास को रखिए, इसी विश्वास के साथ काम करिए, क्योंकि हमेशा हमारी पिक्चर की जैसी जिंदगी में भी क्या होता है, एंडिंग अच्छी हो जाती है. क्योंकि अगर एंडिंग अच्छी ना हो तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और इसीलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव इन लाइफ. चलिए भाई हम लोग आते हैं हमारे ई पेपर पे और देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि प्रिंट हुए हैं द हिंदू में. लेट्स टेक लुक एट द ई पेपर प्लीज. ओके, तो देखो भाई ये रहा हमारा ई पेपर, आप देख सकते हो सामने की तरफ दिया हुआ है अ वोट फॉर स्टेट फंडिंग. तो अब देखो बात यह है कि इलेक्शन कैंपेन में ना अलग अलग पार्टीज बहुत सारे फंड्स इकट्ठा करती हैं और बहुत सारे खर्चा भी करती हैं इलेक्शन कैंपेन में. कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो कि लिकर भी बिटवाती हैं वोटों के लिए, बिरयानी भी बिटवाती हैं वोटों के लिए, वगैरह वगैरह. तो बहुत सारा जो है पैसा उसमें खर्च होता है, लेकिन एग्जैक्टली ये जो खर्च होता है पैसा पार्टियों का, ये कहाँ से आता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. और इसको समझाते हुए ये आर्टिकल आपके सामने प्रिंट किया गया है. इसके अलावा देखा जाए भाई तो बैंकिंग ऑन गुड फेथ. देखो मैं आपसे कह रहा था ना कि आज एक फाइनेंशियल आर्टिकल भी है बहुत इंपॉर्टेंट सा, तो वो ये आर्टिकल है जो हमारे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, बिकॉज उनमें पैसा नहीं है ठीक से, बहुत सारा उनका पैसा चला गया है एनपीए की वजह से. तो कैसे उनको भाई वापस पैसा लाया जाए, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल था ये उसके ऊपर है, उसको हम लोग जरूर एनालाइज भी करेंगे. साथ ही में देखा जाए तो जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको हम लोग आज जरूर एनालाइज करेंगे वो है रेड अलर्ट ऑन द ग्रीन इंडेक्स. अब देखो ये जो आर्टिकल है ये एक एनवायरमेंटल बेस्ड आर्टिकल है. मैंने आपको पहले बताया था कि एनवायरमेंटल बेस्ड आर्टिकल देखा जाए तो बहुत बार पूछा गया है पैराजंबल में, और इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको हम लोग जरूर समझेंगे. फिर देखा जाए तो रिटेल थेरेपी वाला जो आर्टिकल है भाई, ये देखो आईपीएल के रिगार्डिंग आर्टिकल है, और वो सभी लोग जिनको कि आईपीएल के ऑक्शंस में आईपीएल में बहुत इंटरेस्ट है उनको बहुत पसंद आएगा वो पर्टिकुलर आर्टिकल. इसके अलावा देखा जाए तो रीबिल्डिंग आर सिटीज, देखो ये जो आर्टिकल है ये सिटी प्लानिंग के हिसाब से या आर्किटेक्चर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और उसको समझना भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. नाउ नंबर्स आर नॉट न्यूट्रल. तो पहले देखा जाए तो एजुकेशन स्टैट्स के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, और एजुकेशन की जो अवस्था है हमारे देश में उसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर आर्टिकल है. तो देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है. अच्छा अब देखते हैं, इसके अलावा देखो जो आर्टिकल दिया है वो है व्हाट आर वी टीचिंग द रोबोट्स. तो ऑब्वियस है ज़माना मॉडर्न होता जा रहा है, उसके साथ साथ देखा जाए तो बहुत सारे हम लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में भी, और परहैप्स रोबोटिक्स उसी इंप्रूवमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा भी है. तो अब देखा जाए तो वो जो आर्टिकल है वो उसी पे बेस्ड है. अब लेकिन इट्स टाइम फॉर अस टू एनालाइज द फर्स्ट आर्टिकल. तो मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग आ जाते हैं फुल स्क्रीन पर, ताकि हम लोग इसको यहाँ पर जूम भी कर लें आपके लिए, ताकि अच्छे से आप लोग इस आर्टिकल को देख पाएं और समझ भी पाए, बढ़िया से पूरा आनंद उठा सकें. तो देखो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा इन्वायरमेंटल वाला आर्टिकल है, उसके बाद हम लोग जाएंगे जो हमारा फाइनेंशियल आर्टिकल है उस पर. तो आइए हम लोग आते हैं यहाँ पर फुल स्क्रीन पर. तो गाइस ये रहा हमारा पहला आर्टिकल. नाउ रिपोर्ट्स लेट लास्ट ईयर ऑन इंडियाज इंप्रूव्ड रैंकिंग इन द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स फ्रॉम 130 टू 100 हैव बीन कॉज ऑफ मच सेलिब्रेशन. तो भाई पिछले साल देखो एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की,
लेकिन यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है या इसके चीफ कौन है, क्या आप बता सकते हैं? इसको लिखिएगा कमेंट सेक्शन में. ओके, खैर अब देखा जाए, देखो पिछले साल एक बात यह हुई, एक रिजल्ट सामने आया जिसमें यह निकल के आया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, जो कि बेसिकली किस देश में जाके निवेश करना, बिजनेस करना, व्यापार करना आसान है फॉरेनर्स के लिए, ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, तो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में भारत की जो बेसिकली रैंक थी वो 30 नंबर इंप्रूव करके 130 से 100वें नंबर पर आ गई. ठीक है, तो उस बात को देख करके बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हुआ पूरे देश में, सबको बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है. और उसके बाद देखा जाए, एज अ फॉलो अप टू दिस द गवर्नमेंट अनाउंस एडिशनल रिफॉर्म्स मेजर्स टू फर्दर इंप्रूव द रैंकिंग. उसके बाद देखा जाए तो सरकार ने बहुत सारी ऐसी नियुक्तियों का अनाउंसमेंट किया जिससे कि ये जो रैंक है इसको और भी इंप्रूव किया जा सके और ये और भी अच्छी हो सके. Now, low greens को, however, coinciding with this is the news that out of 180 countries assessed, India ranks low in the Environmental Performance Index EPI 2018, slipping from the rank 141 in 2016 to 177 in 2018. लेकिन देखा जाए भाई, तो इन इसके बाद एक और रिपोर्ट सामने आई, और ये जो रिपोर्ट सामने आई ये थी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स. अच्छा, अब एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो देखो जो आउटकम आया है वो उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, क्योंकि जहां पर वहां पर 30 रैंक की बढ़ोतरी हुई थी तो यहां पर 30 से ज्यादा रैंक की घटौती हो गई है. अब ऐसा क्यों है भाई? देखो बात यह है कि 2016 में इंडिया की जो रैंक थी वो थी 141 EPI Environmental Performance Index में, लेकिन जब बात आई 2018 के इंडेक्स की तो ये घट करके हो गई 177. अब आप समझ सकते हो बात को, ध्यान दो यहां पर 180 देशों में भारत की 2018 की जो रैंकिंग है वो कितनी है, वो 177 है. यानी कि केवल और मात्र 3 ऐसे देश हैं जिनसे अच्छा है भारत जब बात आती है एनवायरमेंटल की. तो एक ऐसा देश जिसके लिए एनवायरमेंट जो है 5000 सालों से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है, बहुत ज़्यादा अहम रहा है, उसकी ये दशा देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है. ठीक है, अब हम लोग और भी समझते हैं और भी जानते हैं यहाँ पे कि ये रिपोर्ट एग्जैक्टली बनी कैसे या कौन बनाता है इस रिपोर्ट को. द ईपीआई इज प्रोड्यूस्ड जॉइंटली बाय द येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. यहाँ पर मैं आपसे एक बार फिर से पूछना चाहूँगा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि येल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है या कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहां पर है? इसको जरूर जवाब दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं चाहूंगा आपका जवाब पाना यहां पर. और साथ ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है और इसके जो चीफ हैं वो कौन है, क्या आप बता सकते हैं प्लीज? देख के बहुत अच्छा लगेगा मुझे इफ यू कैन टेल अबाउट दैट. ओके, अब देखो बात यह है भाई, जो ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जो ईपीआई की रिपोर्ट है, देखिए इसको येल यूनिवर्सिटी, साथ ही में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, साथ ही में देखा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये तीनों बंद करके बनाते हैं यहाँ पर. ठीक है भाई, इसके अलावा देखा जाए तो बात ये है, इन कंपैरिजन इमर्जिंग इकोनॉमीज ब्राज़ील एंड चाइना रैंक 69 एंड 120 रिस्पेक्टिवली. अब देखा जाए अगर सभी जितनी भी इकोनॉमीज है, जितने भी पीयर इकोनॉमीज में या इनफैक्ट जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो ब्राज़ील के देखिए जो रैंक है वो है 69 और चाइना की जो रैंक है वो है 120. तो यहाँ पर हम ये बहाना नहीं बना सकते कि देखो भैया इंडिया जो है एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और शायद इसी वजह से इंडिया की जो रैंक है वो 177 है. ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ब्राज़ील और चाइना की रैंक इंडिया से इतनी ज़्यादा अच्छी तो हरगिज़ नहीं होती. और चाइना जहाँ पर लोग मानते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है इंडिया से, उनका भी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंक्स हमसे 500 रैंक ऊपर है. वो 120 पे हैं और हम 177 पे हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ पर. द ईपीआई रैंक्स कंट्रीज ऑन 24 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अक्रॉस 10 कैटेगरीज. अब ईपीआई रैंकिंग बनती कैसे है तो देखिए जनाब, ये बनती ऐसी है जनाब या मोहतरमा जो भी आप हैं, तो भाई देखो 24 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं. ठीक है, तो यानी कि ईपीआई के अंदर 24 अलग अलग तरीके के बेसिकली कैटेगरीज बनाई गई हैं. ओके, 10 इशू कैटेगरीज हैं और उसके अलावा 24 इंडिकेटर्स हैं जो कि परफॉर्मेंस नापते हैं देशों का. और उन ऑब्वियस है ये सभी इंडिकेटर और कैटेगरीज में जो इंडिया का परफॉर्मेंस रहा होगा वो बेहद बुरा रहा होगा, तभी जाके इंडिया की रैंक 177 आई है ओवरऑल रिपोर्ट के हिसाब से.
तो चलिए भाई इसको देखते हुए अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर वन और टू क्या है आप सभी लोगों के लिए. उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही जवाब दे पाएंगे. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर वन. ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पैरा वन. तो बताना आपको कौन सा यहां पर सत्य नहीं है. स्टेटमेंट ए कहता है रिपोर्ट्स लेट लास्ट ईयर ऑन इंडियाज इंप्रूव्ड रैंकिंग इन द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स फ्रॉम 120 टू 100 have been cause for much celebration. ठीक है भाई. तो जो पिछले साल की रिपोर्ट थी as far as ease of doing business index की is concerned, उसमें जो भारत की रैंकिंग थी वो इम्प्रूव हो गई है 120 से 100 पे और उससे काफ़ी खुशियां मनाई गई थी इसकी वजह से. क्या ये सही है, क्या ये पूरा लिखा है स्टेटमेंट में, कोई भी गलती है, क्या लगता है आपको? अच्छा बी में देखो दिया है इंडिया रैंक्स लो इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई इन 2018 स्लिपिंग फ्रॉम द रैंक 141 ऑफ 180 इन 2016 टू 177 ऑन 180 इन 2018. अब देखा जाए भाई जो भारत की रैंक है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2018 के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो रैंक थी वो 141 थी 180 में 2016 में और वो गिर करके हो गई है 177 ऑन 180 2018 में. क्या ये पैरा के हिसाब से सही है या फिर कुछ इसमें गड़बड़ है, क्या लगता है आप लोगों को? अच्छा स्टेटमेंट सी देखो इन कंपैरिजन इमर्जिंग पीयर इकोनॉमीज ब्राजील एंड चाइना रैंक 69 एंड 120 रिस्पेक्टिवली. अगर हम लोग दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करें तो देखो जो ब्राजील है उसकी रैंक क्या है, उसकी रैंक है 69 और जो चाइना है उसकी रैंक क्या है, उसकी रैंक है 120. क्या यह सही है या इसमें कुछ गड़बड़ी है, क्या बोलते हैं आप लोग? वेल गाइस मेरे ख्याल से आप लोग जरूर जवाब दे पाओगे सही से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का और इसका कोई और जवाब नहीं हो सकता है सिवाय कि ऑप्शन नंबर वन ओनली ए इज नॉट ट्रू. क्यों? बिकॉज रैंक जो इंडिया की थी एक्सक्यूज मी वो अर्लियर 130 थी और उसके बाद वो 100 पे आई है यानी कि 30 रैंकों का इंप्रूवमेंट हुआ था इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में. तो देखो ये जवाब हो गया नंबर वन का. अब देखते हैं नंबर टू में, क्वेश्चन नंबर टू में क्या जवाब है. कैन वी हैव क्वेश्चन नंबर टू प्लीज. सो गाइस देखो पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन यहां पर है वो क्या बेस्ड. तो बताइए आपको इनसाइड का सिनोनिम क्या हो जाएगा कॉरेस्पॉन्ड डिसेंट डिसएग्री या डिफर में से. डिफर का मतलब होता है कि मतलब अलग जाना, डिफरेंस होना किसी बात पे या किसी ओपिनियन पे डिफरेंस रखना अपना. तो डिफर मतलब अलग जाना, डिसएग्री मतलब बात ना मानना या किसी बात से सहमत ना होना, असहमत होना, डिसएग्री. अब डिसेंट क्या हो जाता है, डिसेंट का मतलब फिर से वही बात कि मतलब रेबल करना किसी चीज़ के खिलाफ या फिर यू नो बगावत की बातें करना या बगावत जैसी हरकतें करना. देन कॉरेस्पॉन्ड देखा जाए तो कॉरेस्पॉन्ड का मतलब हो जाता है कि बिल्कुल साथ साथ, एकदम साथ साथ में ही चलना या साथ साथ में ही कोई काम करना. तो ऑब्वियसली गाइज यहाँ पर अगर आप डिसेंट की बात करें या डिसएग्री की बात करें या डिफर की बात करें, ये तीनों ही एंटोनिम है कोइंसाइड का मतलब देखते हुए, क्योंकि जो इसका मतलब है और जो कॉरेस्पॉन्ड का मतलब है वो बिल्कुल आसपास है, वो है साथ साथ चलना. तो ऑप्शन नंबर वन देखा जाए सही जवाब होगा. उम्मीद करता हूँ आपका स्कोर 212 हो गया होगा. अब इसको और बढ़ाते हैं, चलते हैं वापस ई पेपर पे. तो भाई कैन वी हैव द ई पेपर, थैंक यू. सो सी नो इंडेक्स इज परफेक्ट बट इफ एन इंप्रूवमेंट इन एन इंडेक्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यू नो फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन, देन इक्वली अ ड्रॉप इन एन इंडेक्स रैंकिंग एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस शुड बी अ कॉज फॉर कंसर्न एंड यूज एज अ कंटेक्स्ट टू एग्जामिन आवर पॉलिसी मेजर्स. तो देखिए बात ऐसा है कि ऑब्वियस है कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है, क्योंकि देखो सब इंडेक्स बनाते हैं इंसान लोग ही हैं, तो ऑब्वियस है इंसान परफेक्ट नहीं है तो इंसान का इंडेक्स कैसे परफेक्ट हो जाएगा. तो हम मान लेते हैं कि जो भारत की हालत है वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना इस इंडेक्स में दिखाई गई है. लेकिन अगर हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से ये सोच रहे हैं कि भारत की हालत बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर इस इंडेक्स के बारे में भी हमको ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए. अगर वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी है तो यहाँ पर परफॉर्मेंस खराब भी है. अगर वहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत खुशी का मामला है तो यहाँ जो परफॉर्मेंस है वो चिंताजनक है और हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो नीतियाँ हैं उनमें कहाँ गलती हो रही है और हम कैसे इसमें और सुधार कर सकें. ठीक है, अच्छा अब देखो और समझते हैं यहाँ पर और जानते हैं. सी
A look at the recent initiatives shows that the government has set ambitious target for the environmental protection. Okay. अब देखा जाए भाई जो हाल ही में देखा जाए सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिसको देख करके हम समझ सकते हैं कि जो टारगेट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हमारे इस पूरे एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए या सुरक्षा देने के लिए वो बहुत ज़्यादा ठोस और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हैं. क्यों? सख्त भी हैं. क्यों? इन दिसंबर 2015 it notified new strict environmental standards for coal fire powered power plants to be effective from January 2018. Okay, अब देखा जाए तो देखो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारे कदम ऐसे हैं जो सरकार ने उठाए हैं जिससे कि जो हमारा environment है वो और भी अच्छा हो सके, प्राकृतिक का काफ़ी फायदा हो सके. जैसे कि अगर हम पहले कदम की बात करें तो दिसंबर 2015 में एक नोटिफिकेशन आ गया था सरकार की तरफ से कि भाई ऐसा है जितने भी पावर प्लांट्स कोल का इस्तेमाल करते हैं उनके रिगार्डिंग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और कड़े नियम बनाए गए थे, सख्त नियम बनाए गए थे, और उसका जो पालन था वो इस साल के इसी महीने यानी कि जनवरी 2018 से करवाना था. ठीक है. इसके अलावा देखा जाए भाई तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ठोस कदम ये है, एन अग्रेसिव टारगेट वॉज सेट टू इंप्लीमेंट भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स फ्रॉम अप्रैल 2020, स्किपिंग द स्टेज 5 नॉर्म्स. अच्छा, ऑब्वियस है कि जो एमिशन नॉर्म्स का जो इम्प्लीमेंटेशन था जो एक्चुअल टाइम फ्रेम सेट था उससे पीछे चल रहा था. तो इसलिए देखते हुए 2020 तक सरकार ने सीधे सीधे ये कहा था कि ऐसा है हम लोग भारत स्टेज 5 में नहीं जाएंगे, हम सीधे भारत स्टेज 6 के तहत जो नॉर्म्स तय किए गए हैं एमिशन नॉर्म पोल्यूशन के लिए, व्हीकुलर पोल्यूशन के लिए, सीधे हम उन पर काम करेंगे और 2020 तक वो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए. अच्छा भाई, अब आगे देखते हैं. इन 2017 द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेड अ रोड मैप वॉज बींग प्रिपेयर्ड सो दैट ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वुड बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन द कंट्री बाय 2030. अब देखा जाए भाई तो 2013 में जो मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी उन्होंने ये बोला था कि एक रोड मैप जो है प्रिपेयर किया जा रहा है जिससे कि 2030 से केवल और केवल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन्हीं को प्रोड्यूस किया जाएगा और उन्हीं को बेचा जाएगा, यानी कि भारत के जो रस्ते होंगे मोस्ट प्रोबेबली वो 2030 में इलेक्ट्रिक व्हीकल से बिल्कुल फुल हो जाएंगे, भर जाएंगे. ठीक है, ऐसा मानना किसका? ऐसा मानना है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का. अच्छा भाई, अब देखे जाए तो ये सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं सुनने में, राइट? इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ पावर द गवर्नमेंट अंडर द नेशनल सोलर मिशन रिवाइज द टारगेट फॉर सेटिंग अप द सोलर कैपेसिटी फ्रॉम 20 GW टू 100 GW बाय 2021-22. अब देखा जाए भाई तो ऑब्वियस है और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सोलर मिशन में या सोलर एनर्जी में और भी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सरकार ने एक बात ये तय करी है कि 20 GW का जो अर्लियर टारगेट था कि भारत का जो एनर्जी कैपेसिटी है जो एनर्जी जो भारत जो है बनाएगा सोलर एनर्जी जो बनाएगा वो 20 GW तक होनी चाहिए 2021-22 तक. यह अर्लियर टारगेट था, इसको दोबारा रिवाइज किया गया और ये बोल दिया गया कि 2021-22 तक आते आते भारत 100 GW की एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर पाएगा. अब ये कैसा होगा ये देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा. फिर साथ में देखा जाए द सेंटर हैज ऑल्सो अश्योर्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट द हाईली पोल्यूटेड गंगा विल बी क्लीन्ड अप बाय 2018. तो भारत सरकार ने साथ ही में ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि आप चिंता ना करें, हम गंगा को जो कि बहुत ज़्यादा पल्यूट हो चुकी है पूरी गंगा नदी को हम 2018 तक, ओके पूरी नहीं कहा है बट ये कहूँ कहा है कि गंगा को हम लोग 2018 तक बिल्कुल प्रदूषण मुक्त कर देंगे. 2018 आ चुका है और क्या लगता है आपको, क्या गंगा प्रदूषण मुक्त हुई है कि नहीं, क्या मानना है आपका? एनीवे, आइए समझते हैं और हम इस बात पे. अ गैप, व्हाट आर वी मिसिंग देन? Unfortunately, there appears to be a big gap between policy goals, all right, and their exception. अब देखा जाए भाई, एक तरफ मतलब देखो बात ये है कि सोलर इतना कर देना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाल देंगे इतने टाइम तक, भारत स्टेज 6 का नॉर्म पूरा कर देना है, पावर प्लांट्स के लिए भी बहुत सारा बता दिया गया है, नियम लगा दिया गया है, गंगा भी साफ कर डालेंगे, मतलब बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग नॉर्म्स हैं, अलग अलग टारगेट्स हैं, लेकिन क्या हम सच में इन टारगेट्स को मीट कर पा रहे हैं? क्या ये टारगेट्स हमारी कैपेसिटी को देख करके हम कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल टारगेट्स हैं? क्या जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है वो इस हिसाब से है कि ये सभी टारगेट पूरा हो पाए? तो यहां पर इस पर सोचने की बहुत ज़्यादा जरूरत है. क्यों? वाइल वी सीम टू बी मूविंग राइट
moving in the right direction. On solar targets, we are seriously lagging behind a number of goals. अच्छा, आप देखा जाए तो इतने सारे जो targets हमने अभी आपको गिनाए, solar target की जो performance की बात है, वो एक ऐसा field है जहां पर भारत सच में अच्छा काम कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि 2021-22 तक 100 gigawatt सच में आ जाएगा. लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो जहाँ तक स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने की बात है, या जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने की बात है, या जहाँ तक पावर प्लांट्स को जो भी कोल का इस्तेमाल करते हैं उनकी बात है, तो उन सब टारगेट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भैया बहुत कुछ गड़बड़ है. अब ऐसा क्यों है ये समझते हैं, ये देखते हैं यहाँ पर हम लोग. देखो, फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज गॉन बैक ऑन इट्स प्रॉमिस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट पावर प्लांट एमिशन नॉर्म्स बाय 2017 एंड मे इवन डाइल्यूट द नॉर्म्स. ओके, अब देखा जाए तो एक बात यह है भाई, जो कि जिसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपसे कहा था कि ये कोल पावर प्लांट जो है उनके लिए दिसंबर 2015 में बहुत ज़्यादा सख्त नियम लाए गए थे और जो कि 2018 तक जनवरी तक जो है इम्प्लीमेंट करवा देने थे. अब देखा जाए भाई तो दिसंबर 2017 में इम्प्लीमेंटेशन होना था बहुत सारे इन गोल्स का, लेकिन देखा जाए ये भाई कि सरकार अपने आप ही अपने वायदे से पीछे चली गई है, मुकर गई है, और इनफैक्ट सरकार ने जो एक तो जितने स्ट्रिक्ट नियम लगाए थे उनको और भी ज़्यादा खुद ही आसान कर दिया है. ठीक है, अच्छा अब आगे समझते हैं, और इंटरेस्टिंग बात समझते हैं यहाँ पर. द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज कैटेगरीली स्टेटेड दैट इन दैट बेस्ड ऑन करंट एस्टिमेट्स फुल कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज रियलिस्टिकली पॉसिबल ओनली बाय 2047. सरकार ये चाहती है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही प्रोड्यूस हो और बेचे जाए 2030 तक, और सरकार ऐसे कह रही है कि हम लगे हुए हैं इसका रोड मैप बनाने के लिए. लेकिन जो व्हीकल्स होती हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ये मानना है कि भाई साहब हमें अगर हम चाहते हैं कि टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर हम मूव कर जाएँ तो ये प्रैक्टिकली ज़मीनी तौर पर 2047 तक ही पॉसिबल है, 2030 तक पॉसिबल नहीं है. यानी कि 17 साल ज़्यादा जितना सरकार टारगेट टैक्स सेट कर रही है उसके कंपैरिजन में. तो परहैप्स शायद हम लोगों को यहाँ पर आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन और गोल सेटिंग की बात है. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो आपके सामने हमारे पास हैं. सो कैन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 और 4 प्लीज. तो ये रहा सवाल नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ दैट वी हैव ओवर हियर. तो भाई अब आपको बताना है कि सत्य क्या है इन स्टेटमेंट से. स्टेटमेंट ए देखो दिया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली there appears to be a big gap between policy goals and action. Statement B कह रहे हैं, the government has gone back on its promise of implementing strict power plants emission norms by December 2018. Statement C में देखो दिया हुआ है, the center has also assured the Supreme Court of India that highly polluted Ganga will be cleaned up by 2018. तो बताइए भाई सत्य क्या है इन तीनों को देखते हुए. यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बता ही देंगे कि सत्य क्या है भाई, आप बता ही देंगे इस बात को. स्टेटमेंट ए में दिया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली देयर अपीयर्स टू बी अ बिग गैप बिटवीन पॉलिसी गोल्स एंड एक्शन. क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है, क्या लगता है आपको. बी में देखो दिया है, द गवर्नमेंट हैज गॉन बैक ऑन इट्स प्रॉमिस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट पावर प्लांट एमिशन नॉर्म्स बाय December 2018. अब ये जो देखिए यहां पर बोला गया है स्टेटमेंट बी में, क्या ये सही है या क्या ये सही नहीं है, क्या बोलते हैं आप लोग, क्या लगता है आपको, December 2018 या December 2017, क्या था जवाब यहाँ पे. स्टेटमेंट सी में देखिए, द सेंटर हैज ऑल्सो अश्योर्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट हाईली पल्यूटेड गंगा विल बी क्लीन्ड अप बाय 2018. अब देखा जाए भाई तो 2018 तक गंगा को साफ कर डालेंगे ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था सुप्रीम कोर्ट को. ठीक है, क्या यह सच से कहा था, क्या यह सच कहा था या कुछ गड़बड़ी थी इसमें, क्या बोलते हैं आप लोग गाइस, क्या होना चाहिए यहाँ पर. वेल गाइस, आई एम श्योर कि आप लोग जरूर सही जवाब दे पाएंगे यहाँ पर मुझे इस पर्टिकुलर सवालों का, इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स का. वेल देखो, स्टेटमेंट ए में कहा गया है अनफॉर्चुनेटली, क्या ये सही है क्या ये फॉर्चुनेट होना चाहिए. वेल गाइस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टेटमेंट बी के अलावा कोई और भी असत्य है तो ऐसा हरगिज नहीं है, बिकॉज स्टेटमेंट बी में December 2017 होना चाहिए था और वो हम कह सकते हैं फिलहाल तो नॉट ट्रू है. अगर स्टेटमेंट बी नॉट ट्रू है मतलब क्या, मतलब ए और सी ट्रू है, जिसका मतलब क्या है ऑप्शन नंबर 4 जिसमें दिया है ओनली सी एंड ए, दैट इज द करेक्ट आंसर. तो आई होप कि आपने वही मार्क किया होगा. अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पे, देखते हैं कि सही जवाब क्या है. तो भाई डाइल्यूट का यहां एंटोनिम पूछने की बात हो रही है, तो एडल्टरेट
मिटिगेट, एग्रेवेट और लेसन, ये अलग अलग एंटोनिम की बात है यहाँ पर। अब देखो भाई, एडल्ट्रेट का मतलब क्या है, मतलब क्या पल्यूट कर देना किसी बात को, किसी चीज को। मिटिगेट का मतलब क्या है, हल्का कर देना, और राइट हल्का करना किसी बात को, किसी चीज को। एग्रेवेट का मतलब क्या है, बढ़ा देना और बढ़ावा देना किसी बात को, किसी चीज को। लेसन का मतलब क्या है, और भी कम कर देना, हल्का कर देना किसी बात को, ठीक है। अब डाइल्यूट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हम कह सकते हैं मिटिगेट या लेसन है, लेकिन यहां बात किसकी हो रही, बात हो रही है एंटोनिम की। तो अगर डाइल्यूट का सिनोनिम हो जाएगा मिटिगेट या लेसन, तो मतलब एंटोनिम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने आप ऑप्शन नंबर 3, एग्रोवेट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने यही लगाया होगा। एंड अब हम लोग आते हैं वापस अपने ई पेपर पर। अच्छा नहीं, ई पेपर में नहीं, मैं चाहूंगा इस बार हम लोग पहले पैराजंबल सॉल्व करें और फिर आए ई पेपर पर। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड और देखते हैं पैराजंबल पहले। तो भाई बताइए, यहां आपके पास देखो 7 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 7 स्टेटमेंट्स हैं। आपको करना सिर्फ इतना है, सबसे पहले तो पहला स्टेटमेंट कौन सा लगता है आपको वो बताइए, फिर लॉजिकल पेयर बनाइए, फिर अलाइन करके बताइए सही जवाब क्या होगा। यहां पर पॉज कर दीजिए और सॉल्व करिए इस पैराजंबल को। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपने पॉज किया होगा। अब देखते हैं हम लोग सही जवाब क्या है। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, इट्स डी ए एफ बी ई जी सी। देखो डी से शुरुआत होती है, अबाउट 1 लाख करोड़ इज एक्सपेक्टेड टू बी पम्प्ड इनटू इंडियाज 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय मार्च। अच्छा भाई, किसके द्वारा वो दिया है, स्टेटमेंट ए में, विच द सेंटर होप्स विल एनेबल देम टू एक्सटेंड फ्रेश क्रेडिट लाइंस। अच्छा भाई, ऐसा क्या है, कितना पैसा है, स्टेटमेंट एफ में देखो दिया हुआ है वर्थ ओवर रुपी 5 लाख करोड़ टू स्पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कैपिटल इंजंक्शन। अच्छा कैसे दिया जाएगा, स्टेटमेंट बी में देखो दिया है द फर्स्ट हाफ ऑफ एन एम्बिशियस रुपीज 2.11 लाख करोड़ रिकैपिटलाइजेशन प्रोग्राम। तो उसके आगे क्या, वो देखो स्टेटमेंट ई में दिया है फॉर एलिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स अनाउंस लास्ट अक्टूबर अबाउट 8100 करोड़ रुपीज इज फ्रॉम गवर्नमेंट बजटरी रिसोर्सेज। ठीक है भाई, फिर आगे देखा जाए तो दिया है स्टेटमेंट जी में, बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू टैप द मार्केट्स फॉर 10,300 करोड़ रुपीज वाइल रिकैपिटलाइजेशन। ओके, फिर देखा जाए रिकैपिटलाइजेशन क्या, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स वर्थ रुपीज 80,000 करोड़ आर टू बी इश्यूड टू फाइनेंस द रेस्ट। उम्मीद करता हूं गाइस कि आप लोग सही जवाब यहां दिए होंगे। अब आते हैं वापस, देखते हैं ई पेपर को और देखते हैं और इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। कैन वी हैव द ई पेपर प्लीज। ओके, तो ये रहा देखो ई पेपर आपके सामने। नाउ बैंकिंग ऑन गुड फेथ। अब ऐसा क्यों दिया है, देखो मोर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर नीडेड टू मैक्सिमाइज द मैक्सिमम द बैंक रिकैपिटलाइजेशन एफर्ट। तो और भी यहां पर स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे कि जो बैंक्स के जो पैसा रिक्वायर्ड है वो वापस आ जाए अच्छे से। नाउ अबाउट रुपीज 1 लाख करोड़ इज एक्सपेक्टेड टू बी पम्प्ड इनटू इंडियाज 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय मार्च विच द सेंटर होप्स विल एनेबल देम टू एक्सटेंड फ्रेश क्रेडिट लाइंस वर्थ ओवर 5 लाख करोड़ टू स्पर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो तकरीबन 1 लाख करोड़ ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि 1 लाख करोड़ जो है इंडिया के 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मार्च तक दे दी जाएगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उम्मीद करता है जिससे कि उनको हेल्प मिलेगी और भी इन बैंकों को, ताकि ये लोग अच्छे से अपने क्रेडिट एक्टिविटी को और भी इम्प्रूव कर सकें और 5 लाख करोड़ तक का जो है इनको फायदा हो सके, अगर हम बेसिकली बात करें मॉनेटरी टर्म्स में या फाइनेंशियल टर्म्स में। ऑफ द कैपिटल इंजंक्शन द फर्स्ट हाफ ऑफ एन एम्बिशियस 2.11 लाख करोड़ रिकैपिटलाइजेशन प्रोग्राम फॉर एलिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स अनाउंस्ड लास्ट अक्टूबर अबाउट 8100 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट्स बजटरी रिसोर्सेज। अब देखा जाए तो पिछले अक्टूबर में अनाउंसमेंट किया गया था कि सरकार जो है 2.11 लाख करोड़ रुपए इन बैंकों को देगी जिससे कि वो अपने आप को वापस अपने आप में सुधार कर सके और जो मॉनेटरी लॉस हुआ है उससे इम्प्रूव कर सके, उससे बेहतर हो सके। और इसमें जो स्टेज वन है, स्टेज वन में देखा जाए तो 8100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे गवर्नमेंट का जो अपना बजटरी रिसोर्सेज है वहां से। इसके अलावा देखा जाए तो बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू टैप द मार्केट्स फॉर 10,300 करोड़ वाइल रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स वर्थ 80,000 करोड़ आर टू बी इश्यूड बाय टू फाइनेंस द रेस्ट। अब देखा जाए भाई तो 8100 करोड़ तो सरकार बजट से देगी, उसके अलावा बैंकों को अपने आप से मार्केट से 10,300 करोड़ उत्पन्न करने होंगे अपने लिए। इसके अलावा जो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स हैं
उनके थ्रू 80,000 करोड़ जो है बैंकों तक आने की संभावना है। इसके अलावा देखा जाए तो भाई, लीविंग असाइड द मार्केट रेजिंग एफर्ट्स बाय बैंक, ओवर हाफ द फ्रेश कैपिटल ऑफ ओवर 52,000 करोड़ इज बीइंग डायरेक्टेड टू द 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्लेस्ड अंडर द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन और PCA। अब देखिए भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, 11 बैंकों को PCA के तहत यानी कि जो क्या है प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन, यानी कि जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने खातों को सही करने की, तो उनको जो है कह सकते हैं आप 52,000 करोड़ अलग से दिए जाएंगे उनके अपने मार्केट से पैसा रेज करने के एफर्ट के अलावा। ओके, अब और देखा जाए यहां पर, द RBI डिप्लॉयज द PCA टू मॉनिटर द ऑपरेशंस ऑफ वीकर बैंक्स मोर क्लोजली टू एनकरेज देम टू कंजर्व कैपिटल एंड अवॉइड रिस्क। अब ऑब्वियस है, RBI कब इस्तेमाल करती है PCA? RBI तब इस्तेमाल करती है PCA जब वो कुछ आइडेंटिफाई कर लेती है कुछ बैंकों को जो कि बहुत ज्यादा वीक है और जिनको बहुत जरूरत है कि वो जो है अपना उनके पास जो भी क्रेडिट है जो कैपिटल है उसको वो संभाल के रखें और साथ ही में कोई भी रिस्क ना लें जिससे कि उनका अपना नुकसान हो जाए। ओके, तो मतलब यहां समझ सकते हैं आप, RBI एज अ पेरेंट काम करती है PCA वाले बैंकों के लिए। फिर देखा जाए, फॉर दीज एंटिटीज द कैपिटल ऑफर्स अ फ्रेश लीज ऑफ लाइफ एज इट विल हेल्प देम मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अंडर द Basel III रिजाइम्स एज वेल एज कुशन देम इन टू एक्सटेंड ऑफ पॉसिबल हेयरकट्स ऑन स्ट्रेस्ड लोन्स दैट आर गोइंग थ्रू द इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब देखा जाए तो ऑब्वियस है, ये जो पैसा इनको दिया जा रहा है इससे ये अपने ऐसा नहीं होगा कि जो सरकारी बैंक बेचारे एकदम, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनकी स्थिति को ज़्यादा ही ख़राब है और अगली स्थिति उनके लिए ऐसा है कि सीधे वो बेसिकली बैंकक्रप्ट होने वाले थे, बैंक ही बैंकक्रप्ट होने वाले थे, लेकिन उनको बचाने के लिए बस थोड़ी ही दूर है वो, और जिस टाइम पे ये PCA लगा दिया गया है ताकि वो अपने आप को बचा के रख सके, वो वहां तक ना पहुंचे, वापस इंप्रूव हो जाए, तो इसलिए देखा जाए तो ये सभी स्टेप्स लिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ये, बहुत अहम स्टेप्स हैं, बैंक को बहुत फायदा होगा इन पर्टिकुलर स्टेप्स से। साथ ही देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द कंट्रीज लार्जेस्ट एंड 9 अदर दैट आर आउट ऑफ द RBI's PCA नेट विल रिसीव नियरली 36,000 करोड़ इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देयर लेंडिंग कैपेसिटी। अब जो भारतीय स्टेट बैंक है जो कि देश का सबसे बड़ा, और 9 अदर बैंक है जो कि RBI की PCA के इस जाल से या PCA के इस सुरक्षा कवच से मुक्त है, उनको जो है 36,000 करोड़ दिए जाएंगे ताकि वो अपनी लेंडिंग कैपेसिटी, लोन वाली लेंडिंग कैपेसिटी को और भी इंप्रूव कर सके। तो देखो, मैं समझता हूं कि आप लोगों को अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि यहां पर किस चीज के बारे में ये आर्टिकल दिया है, किस चीज के बारे में यहां डिस्कशन हो रहा था, और अब बारी है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हम लोग उसको देखते हैं और उसको जवाब देते हैं। कैन बी क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज, थैंक यू। तो बताइए मुझे यहां पर एलिंग का सही सिनोनिम क्या होगा आपके हिसाब से। ऑप्शंस आपके पास हैं हार्टी, फीबल, हेल्दी और हैप्पी। अब देखो भाई, हैप्पी का मतलब खुश, ऑलराइट, हेल्दी का मतलब जो कि अच्छे सेहत में हो, फीबल का मतलब कमजोर, और हार्टी का मतलब क्या, जो कि बोलते ना कि हेल एंड हार्टी, मतलब बहुत तंदुरुस्ती के साथ वाला, है ना, एकदम लाइफ बॉय वाला तंदुरुस्ती। तो भाई गाइज, यहां पर सही जवाब देना था आपको, तो ऑब्वियस है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने फीबल दिया होगा, बिकॉज दैट इज द करेक्ट सिनोनिम। देखो, एलिंग क्या मतलब, जो कि वीक हो, कमजोर हो गया हो, फीबल भी वही है, किस चीज से, जो जूझ रहा हो, ठीक है। तो ये जवाब है यहां पर, देखते हैं सवाल नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा। कैन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, तो व्हाट इज द थीम ऑफ द पैराग्राफ। देखो, स्टेटमेंट 1 कहता है द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ SBI थ्रू 36,000 करोड़ रुपीज। ऑप्शन 2 कहता है द डिप्लॉयमेंट ऑफ PCA बाय द RBI। ऑप्शन 3 कहता है द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द बैंक्स थ्रू द PCA। फिर देखो, ऑप्शन 4 कहता है द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स। नंबर 5 कहता है द मॉनिटरिंग ऑफ वीक बैंक्स बाय द RBI। तो देखो भाई, SBI में जो उनका रिकैपिटलाइजेशन किया जाएगा 36,000 करोड़ का इस्तेमाल करते हुए, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 है द डिप्लॉयमेंट ऑफ PCA बाय द RBI, यानी कि PCA का जो प्रयोग है RBI के द्वारा किया जाना। क्या ये लगता है आपको सेंट्रल थीम है इस पैसेज का, द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द बैंक थ्रू PCA, तो PCA के थ्रू जो दोबारा बैंकों को रिकैपिटलाइज किया जा रहा है, क्या लगता है आपको, क्या ये सही है, क्या ये सत्य है। फिर देखो, नंबर 4 पूछा जा रहा है ओवरऑल कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, तो जो बैंकों का पूरा कैपिटलाइजेशन किया जा रहा है, दोबारा सबको पैसे भरे जा रहे हैं, क्या ये सही है, क्या लगता है आपको। फिर देखो, नंबर 5 में दिया है द मॉनिटरिंग ऑफ वीक बैंक्स बाय द RBI, तो RBI के द्वारा जो भी बैंक कमजोर है उनकी मॉनिटरिंग करना, क्या लगता है गाइस आपको, यहां सही थीम क्या होगा इन सभी पैराग्राफ को देखते, इन सभी ऑप्शन को देखते हुए। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बिकॉज वही थीम है यहां पर।
तो चलिए अब देखते हैं आज का आखिरी सवाल, फिर हम लोग खत्म करेंगे आज के इस एडिटोरियल एनालिसिस को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे लिए। सो गाइस, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू। तो बताइए मुझे यहां लेंड का एंटोनिम क्या हो जाएगा अफोर्ड, एक्सटेंड, ग्रांट और कंसील जैसे ऑप्शंस को देखते हुए। आपका समय तो मैं इनफैक्ट ऐसा कहूंगा कि अच्छा ही रहे हमेशा। वेल, देखो अफोर्ड का मतलब क्या है, कोई चीज को अपने आप से पाने की क्षमता रखना, ठीक है, अपने आप से पा लेने की क्षमता रखना या पा लेना। ओके, फिर एक्सटेंड क्या है, मतलब बढ़ा देना किसी को, किसी चीज को, या फिर किसी चीज को मतलब इंक्रीज कर देना। ऑलराइट, देन ग्रांट का मतलब क्या है, किसी चीज को कोई चीज दान कर देना। कंसील का मतलब क्या है, छुपा लेना, मतलब छुपा रखना। अब देखा जाए भाई, तो यहां लेंड का जो सही एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर 1 अफोर्ड। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि आप लोगों ने यहां पर सही जवाब दिया होगा, सही एंटोनिम यहां पर समझा होगा, बिकॉज ऑप्शन नंबर 1 अफोर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर द वर्ड फॉर द ऑप्शन लेंथ। तो भाई अब आ जाते हैं हम लोग मेन स्क्रीन पे वापस। तो गाइस, ये सभी था हमारे आज के इस पर्टिकुलर एडिटोरियल एनालिसिस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग बहुत कुछ समझ में भी आया होगा आज। साथ ही मैं चाहूंगा, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देखिए, ताकि आपकी इंग्लिश में भी इंप्रूवमेंट हो, साथ ही में इन आर्टिकल्स को आप और भी अच्छे से देख सकें। अगर आप देखना चाहते हैं इंग्लिश वर्जन तो परेशान मत होइए, पिंड कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही में ये जो पीपीडी थी इसका भी पीडीएफ दिया हुआ होगा हमारे पिंड कमेंट में। इसके अलावा जो एक और शो हुआ है आज, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको पिंड कमेंट में। मैं आपसे बता दूं, अब मैं आपसे वापस मिलूंगा फरवरी में। तो तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि देखो भाई बहुत सारे एग्जाम्स हैं और मैं चाहता हूं कि आप जरूर सेलेक्ट हो उन सभी एग्जामों में। तो अभी के लिए इतना ही, एंड पीस आउट।